ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्नि गौरतविषये नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्या प्रियाय केशवसच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए अ सरेंडर्ड पर्सन इज अनडिस्टर्ब, जो जीव शरणागत होता है वो विचलित नहीं होता है। ओ लॉर्ड आई एम योर एटर्नल सर्वेंट एंड यू आर माई एटर्नल मास्टर। हे प्रभु मैं आपका नित्य दास हूँ, आप मेरे नित्य स्वामी हो। आई एम कम्प्लीटली सरेंडर अन टू योर लोटस फीट, मैंने आपके चरणों में शरणागत हुआ हूँ। वट एवर इज योर विल यू डू, आपकी जो इच्छा वो आप करिए। इफ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट मी, इफ यू वॉन्ट टू किल मी, इट इज योर विल। आप मुझे मारना चाहते हो या बचाना चाहते हो वो आपकी इच्छा है। आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड एट ऑल, मैं बिल्कुल विचलित नहीं हो रहा हूँ। वट एवर यू वॉन्ट इट टेक्स प्लेस बिकॉज योर विल इज सुप्रीम, आप जो चाहते हो वो होकर रहेगा क्योंकि आपकी इच्छा ही सर्वोपरि है। वट प्लेजेज यू यू डू, यानी आपकी जो इच्छा होगी आप करिए। इफ़ यू बिकम प्लीज बाई किलिंग मी किल मी, अगर आपको आनंद मिलता है मुझे मार के आप मेरा वध कर दीजिए। इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट मी प्रोटेक्ट मी, अगर आप मेरी रक्षा करना चाहते हो तो रक्षा करिए। आई हैव नो सेपरेट वे, मेरी कोई इच्छा नहीं है, यानी आपकी जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है। यानी अपने मन को प्रभु के मन से जोड़ना। आई एम कम्प्लीटली सरेंडर अन टू यू एंड यू हैव फुल राइट ओवर मी, मैं पूर्ण रूप से आपके प्रति शरणागत हूँ और आपका पूरा हक मेरे पे है। आई एम योर एटर्नल सर्वेंट, मैं आपका नित्य दास हूँ। यू आर माई एटर्नल मास्टर, आप मेरे नित्य स्वामी हो। यू हैव फुल राइट, आपके ऊपर पूरा अधिकार है। यह इच्छा तुम्हारे, इट इज योर स्वीट विल टू डू एज यू लाइक, आपकी जो इच्छा वही होके रहेगा। जो आप करना चाहते आप करिए। वन हु इज सच अ सरेंडर्ड पर्सन इज अनडिस्टर्ब, जो मनुष्य इस प्रकार प्रभु के प्रति शरणागत रहता है, अपने मन को प्रभु की इच्छा से जोड़ना, यही उसकी शांति का कारण है। हम चाहते हैं प्रभु मेरे मन के अनुसार चले, हमारी प्रॉब्लम ये है, तो मेरे अनुसार चल, मेरी बात मान, लेकिन हम प्रभु के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं कि वो क्या चाहता है। हम अपने स्वार्थ को देते हैं, प्रभु सबका मंगल देखते हैं। Whereas those who are not surrendered, who are in the bodily concept of life, in this material of duality, and are always pretending or only creating artificial situation, जो लोग शरणागत नहीं है, द्वंद्वों में फंसे, द्वंद्व का मतलब होता है अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख हानि लाभ, इनमें फंसे हुए हैं, वो कृत्रिम अवस्थाएं बनाते रहते हैं, आर्टिफिशियल सिचुएशन जिसको बोलते हैं कि ऐसा कल से मुझे सुख मिलेगा, ये करूंगा तो सुख मिलेगा, वो अपने लिए ऐसी व्यवस्था करते रहते हैं। प्रूपन महाराज मेंशन एंड इस पर ऐसी भक्तियों स्वामी प्रूपन अपने टिप्पणी पे क्या लिखते हैं, देयरफॉर इन दिस वर्ल्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड हैप्पीनेस एंड डिस्टर्ब इज मीनिंगलेस, यानी इस संसार में भेद करना अच्छा क्या बुरा क्या खुश क्या और दुख क्या है उसका कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज दे आर बोथ मेंटल कॉन्कॉक्शन, वो क्योंकि हमारे मन की सोच पर सबको निर्भर करता है।
क्योंकि मैं चाहता हूँ इस प्रकार होना, इसलिए मैं उसको अच्छा मानता हूँ, नहीं तो मैं उसको बुरा मानता हूँ। हम शास्त्र के अनुसार नहीं चलते कि शास्त्र क्या मानता है उसके लिए क्या क्या हम जो शास्त्र मानता है वही हमको फॉलो करना चाहिए। इट इज ऑल क्रिएटेड आर्टिफिशियल, ये केवल हमारा मन का सोच है। क्योंकि मेरा मन संसार में है, मैं इस प्रकार का व्यवहार किसे चाहता हूँ, मुझे मिलता नहीं तो मैं दुखी होता हूँ और मिलता तो मैं सुखी होता हूँ। यानी कब हमारा मन कृष्ण के चरणों में लगेगा? तो अगर मन कृष्ण में चरणों में लग गया फिर क्या फर्क पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? आप सुख और दुख की अनुभूति नहीं करोगे। सुख और दुख की अनुभूति होने का कारण ये कि मेरा मन संसार में है, मेरी आसक्ति संसार में है और मेरे अंदर संसारी कामना है, वही वजह से मैं सुख और दुख की अनुभूति कर रहा हूं। इट इज ऑल क्रिएटेड आर्टिफिशियली, ये सब हमने बनाए हुए हैं। बिकॉज एवरीथिंग हेयर इज मिजरेबल एंड ट्रबलसम, क्योंकि संसार में हर चीज दुख देने वाली है, हर चीज परेशान करती है। टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल सिचुएशन एंड प्रिटेंड इट टू बी फुल ऑफ हैप्पीनेस इज सिंपली इल्यूजन। यानी आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करना और फिर ये भान दिखाना कि मैं बड़ा खुश हूँ, ये कहते हैं ये मोह है और कुछ नहीं है। ये जीव की मूर्खता है और समझता कि मैं खुश हो गया। जीव खुश हो ही नहीं सकता संसार में, वो सोचता मैं खुश हो गया क्योंकि इसमें पग पग पे दुख ही दुख है, परेशानी परेशानी इस संसार के अंदर है। Why are you pretending? आप क्यों दिखा रहे हो कि जो आप नहीं हो? Why are you creating artificial situation? ये परिस्थिति मैं क्यों खड़ी करो? ये होगी तो मैं खुश होऊंगा, नहीं होगी तो भी भक्त तो हर परिस्थिति में खुश है क्योंकि वो तो हर परिस्थिति में भगवान का भजन करता है, वो हर परिस्थिति में आनंदित रहता है। उसे माला तो करनी है, हरिनाम भी करना है, हरि कथा श्रवण करनी है या पढ़नी है, यही तो उसके दो काम होते हैं, वो यही करता रहता है। तो वो किधर भी रह सकता है और हर परिस्थिति में वो सुख रहेगा क्योंकि उसका मन संसार में किधर लगा हुआ नहीं है, उसके किधर आसक्ति नहीं है, इससे उसे दुख की अनुभूति इसी वजह से नहीं होती है। बिकॉज एवरीथिंग हेयर इज मिजरेबल एंड ट्रबलसम, टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल सिचुएशन एंड प्रिटेंड टू बी फुल हैप्पीनेस इज सिंपली इल्यूजन। संसार में प्रति क्षण कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, फिर भी इंसान आर्टिफिशियल कह के जी आज मैंने पार्टी रखी है और मैंने आज वह बड़ा सुख हूँ। ये कितने घंटे? एक घंटा, दो घंटा, उसके बाद क्या होगा? लेकिन उसके लिए आप कितने पैसे खर्च करो, कितना परिश्रम करो, किस चीज के लिए? वो एक घंटे दो घंटे के लिए बस यही है हमारी सुख की परिभाषा। और ये भी कोई जरूरी नहीं कि इस परिस्थिति में सुख हो गया नहीं हो गया। आप सोचते हो कि इतने दोस्त आ गए, मैंने उनको खिलाया पिलाया है या मैंने कोई डांस कर लिया तो मैं सुखी हूँ, ये आपकी सोच है। हम आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं अपने आपको सुखी बनाने के लिए, लेकिन हम सुखी हो नहीं रहे हैं। Why are you pretending? Why are you creating artificial? आप क्यों दिखा रहे हो कि मैं इस पे सुख हूँ जबकि आप नहीं हो? आप क्यों आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करो? Therefore you are afraid or I am afraid. What shall be done? क्योंकि आप भयभीत हो, मुझे क्या करना चाहिए? What to do? मुझे क्या करना चाहिए? It is mental concoction. ये सारा मन का खेल है। The so-called happiness and distress is simply illusion. संसार में सुख और दुख ये माया रचित है, वास्तव में ऐसी कोई चीज नहीं है। जितना हमारा प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ेगा उतनी हमारी वैराग्य उत्पन्न होगा, उतनी आसक्ति कटेगी, उतनी कामनाएं कटेंगी, तो आप सुखी सुख रहोगे, आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। नहीं तो हमारी जितनी ज्यादा अटैचमेंट उतना दुख हमको ज्यादा लगता है, उतना दुख लगता है। अभी जो लोग मेंटल हॉस्पिटल में होते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक शॉक लेते हैं, मेंटल हॉस्पिटल जो खोले गए उनको भर्ती कर दिया जाता है, वो उस सब का कारण क्या है? उनकी अगर आप चित्र देखोगे तो ये की चीज पता चलेगा, उनके अंदर संसार में बहुत ज्यादा आसक्ति थी, वो सहन नहीं कर पाए, इसलिए उनको सदमा लगा, अब मानसिक संतुलन खराब हो गया। सदमा क्यों लगा? बहुत ज्यादा आसक्त होने से।
और मेरा स्वयं सो करीबी मर गया है या सो मेरा सो धन चला गया है या मुझे ये नुकसान हो गया है या मेरे को वो चीज नहीं मिली, उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। इसी कारण से उनको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और उधर उनकी चिकित्सा होती है, होती नहीं होती वो अलग बात है, जो भी है बड़ी बुरी तरह से रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इंसान अगर गीता और रामायण को समझ ले, भागवत को समझ ले और भगवान में प्रति होए, क्योंकि दुर्घटना सबके जीवन में होनी होनी है, हरे के घर में नुकसान होना है, हरे के घर में मृत्यु आनी आनी है, चाहे वो चाहे या ना चाहे, चाहे वो कितना भी करीबी आपका बंदा क्यों ना हो या आप स्वयं खुद ही क्यों ना हो, आपकी आनी आनी है। तो हम इसके लिए मानसिक तौर से क्यों तैयार नहीं होते, क्यों हम भगवान का भजन नहीं करते, क्यों नहीं हम भगवान से अपनी आसक्ति को बढ़ाते ताकि वो समय जब आएगा हम सहन कर पाएंगे। जो इंसान मानसिक तौर से तैयार नहीं रहता, उसके सामने सिचुएशन आती है तो उसको दो चीज़ होती है, तो हार्ट अटैक होता है उससे वो मर जाता है, या तो उसका मानसिक संतुलन भी पागल हो जाता है, दो में से एक सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि ऐसे कैसे हो गया, मैं उसके तैयार नहीं था, तो आपको तैयार होना चाहिए था, इससे तो ग्रंथ बनाए गए हैं भागवत और रामायण, और क्यों बनाएगी गीता, ताकि आप मानसिक तौर से तैयार होइए इन सब परिस्थितियों के सामना करने के लिए। ये नहीं सोचना कि आज ठीक चल रहा है तो कल ठीक रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला, आनी ही आनी, हर मनुष्य के जीवन में आनी है, हर घर में आनी है, और हम उसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इसलिए शास्त्र पढ़ो, साधु संग करिए, जाप करिए, तो चीज समझ में आनी शुरू होती है। और आत्मा बल, द विल पावर इंक्रीज बाय द चैंटिंग ऑफ द होली नेम, हरि नाम करने से आत्मा बल बढ़ जाता है, इंसान सहन कर सकता है, नहीं तो इंसान नहीं सहन कर पाएगा। द लिबरेटेड पर्सन बींग अबाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर इज अनअफेक्टेड बाय सच डुअलिटीज इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो मतलब क्या है, जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है, जो मुक्त अवस्था में है, यानी जो भगवान के प्रेम में डूबा है, मैं क्या, ये तीनों गुण इंसान को बांधती है। सतोगुण में सत्कर्म का अभिमान होता है और वो हमको स्वर्ग की प्राप्ति देता है, क्योंकि उसमें ये भाव होता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने सेवा की, मैं माला करता हूँ, मैं कथा करता हूँ, मैं कीर्तन करता हूँ, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, उसके अंदर सत्कर्म का अभिमान होता है और वो उसको स्वर्ग तक ही लेकर जा सकता है, निकाल नहीं सकता है। इंसान जिस दिन ये दिमाग में घुसा ले कि जो हो रहा है मेरे प्रभु की इच्छा और कृपा से हो रहा है, इस बात को अगर वो जीव समझता है कि प्रभु मेरे माध्यम से अपना कोई काम करवा रहे हैं, यह मेरा सौभाग्य, उन्होंने मुझे चुना है, या मैं उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं आपके लिए चीज करूँगा, आप सीमित हो तो मुझे सीमित फल मिलेगा, वो क्योंकि मैंने आपके लिए किया तो मुझे एक्सपेक्ट है, जब मैंने आपके लिए किया नहीं, मैंने प्रभु प्रसन्न होंगे इसलिए किया है, तो मुझे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आप जैसा मर्जी व्यवहार करो, मुझे दुख लगा, प्रभु अनंत है, अनंत के लिए व किया व कर्म उसकी प्रसन्नता के लिए अनंत फल देता है। हमको कोई भी क्रिया को त्यागना नहीं, छोड़ना चाहिए, सिर्फ अपने केंद्र को कृष्ण को रखना है। हम लोग यही तो गलती कर जाते, केंद्र में कृष्ण को नहीं रखते, उस चीज को हम अपनी मान लेते हैं, और अपनी मान लेने से हमें बहुत परेशानी और दुख होता है। वही चीज आप भगवान को केंद्रित करके करोगे तो फिर आपको, क्योंकि आपने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं है, तो आप कैसे, आपको किस बात का दुख है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सोचो, मैं ये कथा कर रहा हूँ आपके लिए, अगर मैं ये सोचूं तो मुझे आपसे फल एक्सपेक्टेशन नहीं होगा तो मुझे दुख होगा। अगर मैं ये चीज सोचो, प्रभु मैं तेरी सेवा में, तूने मुझे अपनी सेवा में नियुक्त किया है, क्योंकि मैं सेवा करता हूँ, ये फिर अभिमान सूचक शब्द है। जब कोई सेवा ले गए तब सेवा कर कैसे सकते हो, सेवा लेने वाला भी तो चाहिए, उचित पर्सन भी चाहिए, बंदा भी चाहिए जो सेवा ले, तो प्रभु ही उस बंदे को भेजते हैं, प्रभु तू मेरे हाथ से सेवा ले रहा है, तू किसी को भक्त बना, मैं तेरे शब्द रिपीट कर रहा हूँ, तेरे वैष्णवों के शब्द रिपीट करो, तो भक्त वो तुझे बना रहे हैं, मैंने किसी को भक्त नहीं बनाया, ना मैं किसी को बना सकता हूँ, ना मेरे में अंदर कोई क्षमता है, क्योंकि लोग को क्रेडिट लेना बड़ा अच्छा लगता है, ओ जी मैंने इसको प्रचार किया था तो मैं वो भक्त बना,
भाई आप इसका मतलब कि आप अपने को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हो, उसको छोटा मानते हो, तभी तो आप ये भाषा मैंने प्रचार किया। प्रचार यानी वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है, अपने को मानता है। भक्त कहता है मैं प्रभु का कीर्तन कर रहा हूं, बाकी प्रभु जिसको भेजना है सिंसियर सोल्स को मेरे पास भेजेंगे, वो सुन के अपना लाभ ले ले, वो भगवान की इच्छा है। मैं अपना कीर्तन करो, अपना भजन करो, मैंने किसी को ना प्रचार करना ना मैंने कुछ करना किसी के लिए, मैं मेरे में क्षमता नहीं, मैं अपने उद्धार कर लूँ बहुत बड़ी बात है। मैं अपना भजन करो तो मैं मेरे कीर्तन के समय भगवान किसी जीवात्मा को भेज देते मेरे पास, वो उसके कीर्तन को सुन लेता है, यानी भगवान की कथा सुन लेता है, उसका उद्धार हो जाता है, तो भगवान की कृपा है उसके ऊपर, और कुछ नहीं है। देने वाले वो और लेने वाले वो है, और इसलिए जब मैंने आपके लिए कुछ किया ही नहीं तो मुझे आपसे कोई आशा नहीं है, और मैं कोई भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ सकता। इसी को वास्तव में हम कर्मयोग कहते हैं। ही रिमेन्स कृष्ण कॉन्शियस बाय टॉलरेटिंग सो कॉल्ड हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, अनुकूलता प्रतिकूलता को सहन करता है। बीमारी भी आनी आनी है, कोई जोशी के पास जाने की बीमारी भी आनी है, बुढ़ापा भी आना है, मृत्यु भी आनी है। ये मैं बगैर कहे सबके जीवन में कह सकता हूँ, ये कॉमन सबके जीवन में होना ही होना है। और उसका समाधान एक ही तरीके से हो सकता है, कि क्या समाधान हो सकता है एक ही तरीके से, कि आप भजन करिए और कुछ नहीं है, उसको आप शांत करिए। वाई शैल वी बी एजिटेटेड, हम क्यों परेशान हुए, जस्ट टॉलरेट इट, केवल सहन करिए। बी काम एंड क्वाइट, शांत रहिए और चुप रहिए। थिंक ऑफ कृष्णा, कृष्णा का स्मरण करिए। एवरीथिंग टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू योर विल, सो आई शुड नॉट बी डिस्टर्ब, जो कुछ हो रहा है तेरी इच्छा से हो रहा है, इससे मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वट एवर इज योर विल मस्ट टेक प्लेस, जो आपकी इच्छा होगी वो होके ही रहेगी। आई कैन नॉट ऑल्टर इट, मैं उसका कोई परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ। यू आर द सुप्रीम, आप सर्वश्रेष्ठ हो। आई एम एन इनसिग्निफिकेंट जीवा, मैं एक तुच्छ जीव आत्मा हूँ। हाउ कैन आई चेंज वट एवर इज योर विल, मैं क्या बदल सकता हूँ जो आपकी इच्छा होती है। आई जस्ट हैव टू टॉलरेट इट, नथिंग एल्स, मुझे केवल सहन ही करना है और कुछ नहीं करना है। दिस इज द इंस्ट्रक्शन, यही हमको उपदेश है, यही आज्ञा है, कि सहन करिए और कुछ नहीं कर सकते हो। दोज आर कंप्लीटली सरेंडर आर फ्री फ्रॉम फियर, जो पूर्ण शरणागत है वो भयों से मुक्त है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मेरे लिए हो रहा है मेरे मंगल के लिए हो रहा है। भैया इन शॉर्ट ये समझ लो, अगर भजन बढ़ रहा है तो आपका अच्छा समय आ रहा है, और भजन घट रहा है तो समय बुरा आ रहा है। सबसे मोटा मोटी बात यही है, भगवान का चिंतन बढ़ रहा है, कथा बढ़ रही है, भजन बढ़ रहा है, नाम रुचि बढ़ रही है, तो आपका अच्छा समय आ रहा है। और ये सब चीजें घट रही है तो समझो बुरा ही बुरा समय है। दोज आर कंप्लीटली सरेंडर आर फ्री फ्रॉम फियर लेमेंटेशन डेल्यूजन एंड ऑल टाइप्स ऑफ अनर्थ, जो पूर्ण शरणागत है भगवान पर निर्भर है, उनकी क्या स्थिति है, वो भयों से मुक्त है, विलाप नहीं करते हैं, मोह से रहित हैं और सारे अनर्थों से बचे हुए। दे आर फिक्स एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, वो भगवान के चरणों में उनकी वृत्ति लगी हुई है। दे नो दैट द मटीरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ डुअलिटी, वो ये जानते हैं ये संसार में द्वंद्व से भरा हुआ है। द्वंद्वनी अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख हानि लाभ जन्म मृत्यु, इसे द्वंद्व कहते हैं। ट्रबल्स कम एंड गो, जस्ट टॉलरेट, तकलीफें आएंगी और जाएंगी, सहन करिए। ये टॉलरेट उस भक्त बर्दाश्त करते हैं। महाप्रभु स्थित तरोरूपी सहिष्णा, बी एज टॉलरेंट एज अ ट्री, पेड़ की तरह सहनशील होइए। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट, नथिंग एज, वही सबसे ज्यादा आवश्यकता है सहन करने की। इट इज कृष्णा विल दैट दिस हैज कम टू यू, कृष्णा की इच्छा है कि ये घटना तेरे साथ हो रही है।
Just all it sahan kariye. Why will you feel so disturbed, so agitated, so restless? Aap kyun pareshan hote ho, itna zyada uttejit hote ho, ashant hote ho? Hum isliye hote hain kyunki meri attachment un logon ke prati hai. बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है. वो मेरे को ऐसे कैसे ना बोल सकता है, वो इस प्रकार ऐसे कैसे वो काम कर सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुछ भी हो सकता है. हर एक के अपने संस्कार होते हैं, हर एक का अपना भजन का लेवल होता है, सबके अलग अलग स्तर होते हैं. क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और हमने बहुत ज़्यादा आस लगा के रखे लोगों के प्रति, इसी कारण से हमें बार बार दुख हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं. इसलिए कहते हैं कि भजन जितना बढ़ेगा उतनी सहन शक्ति बढ़ेगी, उतना वैराग्य होएगा, यानी भगवान में आसक्ति बढ़, संसार की आसक्ति घटेगी तो दुख नहीं लगेगा. क्योंकि वैराग्य भी बढ़ता है तो दुख बढ़ता ही बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपका. आपको अपने भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना ही पड़ेगा, वही तरीका सुखी होने का. नहीं तो जीव हर वक्त कलपता रहेगा, रोता रहेगा, रोज ग्रंबल करता रहेगा हर चीज को लेके, और इसी प्रकार दुखी होकर मर जाता है. अगर उसी का चिंतन करता है, करना चाहिए था प्रभु का कीर्तन, प्रभु की कथा, प्रभु का नाम कर रहा है, दुष्टों का कीर्तन, जो उसने मेरे साथ वैसा किया, वो ये बोलता है, वो वैसा करता है, वो वैसा करता करता दुष्टों कीर्तन, वो कीर्तन हमारे हृदय में हमको याद हो जाता है, बार बार रिपीट करने से उसके प्रति अटैचमेंट हो जाती है और उसके प्रति अटैचमेंट बढ़ जाती है मेरी. जब अटैचमेंट बढ़ जाती है तो मैं उसी का चिंतन करके मरता हूँ, मेरे अंदर अवगुण प्रवेश कर जाते हैं, उसी का चिंतन करके मरता हूँ और मैं लास्ट में नरक में जाता हूँ. यानी मैं अपने पतन का कारण स्वयं बना हुआ हूँ, कोई मेरा पतन नहीं कर सकता. मैंने चूज किया था कि प्रभु का गुणगान छोड़ के दुष्टों का गुणगान करने का, मेरा वो संकल्प था. मेरे पास चॉइस थी, मैं हरी कथा कर सकता, हरी नाम कर सकता था. मैंने क्यों दुष्टों का गुणगान किया 10 लोगों के सामने? 10 लोगों के सामने हरी कथा क्यों नहीं की? तो हरी कथा याद हो जाती, अंतकरण की शुद्धि हो जाती थी आपकी. दुष्टों का गुणगान कैसे, अंतकरण और मलिन हुआ है, उस मलिन किसने किया? आप ही ने किया, क्योंकि आप ही ने गुणगान किया है तो आपका मन और मलिन होगा, कठोर होगा, और आप अपने पतन के कारण खुद हो. इस बात को जीव समझने को तैयार ही नहीं है कि मैं ही अपने उद्धार का कारण हूं और मैं ही अपने पतन का कारण हूं. There is no need for that. Just already बहुत ज़रा परेशान, अशांत और उद्वेगित होने की ज्योतिष जो सहन करिए. It is all temporary. हर चीज अस्थाई है, temporary है. It will go away and something else will टेक प्लेस द नेक्स्ट डे. वो चीज़ जाएगी तो नई चीज़ उसकी जगह पे आएगी, यानी तकलीफ आएंगी, नेचर ऑफ प्रॉब्लम चेंज होंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स रहेंगी, परेशानी रहेंगी. आज इसके माध्यम से परेशानी हो रही है तो कल दूसरे माध्यम से परेशानी आएगी, फिर क्या करोगे? आज हम बोलते हैं कि उसने मुझे परेशान किया, दुखी किया है, तो लेकिन ठीक है, वो जीवन में चलेगा कभी ना कभी, लेकिन आपके जीवन में अगर परेशानी है तो दूसरे तरीके से भी तो आएगी, फिर क्या करोगे, फिर किसको ग्रंबल करोगे? इसलिए अपना भजन करके अपने कर्मों को शांत करो. जीव ग्रंबल करता है, गालियां निकालता है, निंदा करता, नफरत पैदा करता, मानो आपने नफरत आ गई उस वक्त, आपकी मृत्यु आ गई द्वेष के कारण, नफरत की स्थिति में, तो आपको तो 100% नरक में गारंटी है जाना. क्योंकि आपके जीवन में क्रोध आया हुआ है और क्रोध में आप उसकी निंदा करो, आप ग्रंबल करो और अचानक आपकी मृत्यु हो जाती है उस अवस्था में, तो कहां प्रभु की याद आएगी? क्योंकि उसी का तो कीर्तन कहते दुष्ट का, तो गारंटी है कि आप नरक में जा ही रहे हो. इसलिए अपने स्वभाव को बदलिए, अभ्यास के द्वारा स्वभाव बदला जा सकता है. एकमात्र अभ्यास ही है जो स्वभाव के बल से, कोई भी चीज बार बार करोगे वो चीज क्या होगा, पुराने संस्कार खत्म होंगे, नए संस्कार उत्पन्न होंगे. जैसे एक कुआं है और कुएं में गंदा पानी हो गया बहुत ज्यादा, अब उसको साफ कैसे करें? कुआं गहरा भी बहुत ज्यादा है, तो एक काम करते हैं, उस कुएं को फ्रेश पानी डालना शुरू करते हैं. जब फ्रेश पानी जाता है
तो वो कुआं में है वो फ्रेश पानी भी गंदा होता है लेकिन कंटिन्यूस बहता रहेगा तो वो गंदा पानी धीरे धीरे बाहर निकलेगा और कुछ समय के बाद फ्रेश पानी रहेगा और कुआं साफ हो जाएगा। उसी तरीके से आप कथा सुनते जाइए जाप करते जाइए उसका परिणाम ये होएगा लगातार कथा सुनने का कथा पढ़ने का कथा और नाम जप करने का परिणाम क्या होएगा कि पुराने संस्कार निकलेंगे और नए संस्कार आएंगे। इम्प्रेशन जो हमारे अंदर है जो स्मृति है 50-50 साल की वो निकल जाएंगी और नई स्मृतियाँ आएंगी आपको याद फिर वो चीज़ें याद नहीं आएंगी ये भूल जाती है ये रबर की तरह साफ हो जाती है। वो हमने करना है अब हमारे ऊपर है हम कितनी इंटेंसिटी से भजन करते हैं कितनी तीव्रता से भजन करते हैं कितना ज़्यादा हम अपने आप को एंगेज रखते हैं हरि कथा हरि नाम में ताकि वो पुराने संस्कार मिटे और नए संस्कार आए तो मेमोरी भी मिट जाएगी सब मिट जाएगा और केवल प्रभु की याद आएगी और मृत्यु के समय वही चीज़ याद आनी है। तो वही है कि अभ्यास नहीं करोगे बहुत अधिक तो नहीं होएगा थोड़े अभ्यास से कुछ नहीं होने वाला बहुत अभ्यास करना पड़ेगा बहुत लंबे समय भी करना पड़ेगा और बहुत अभ्यास करना पड़ेगा इसलिए कर लीजिए समय कम है कभी कुछ भी हो सकता है जितना अभ्यास कर लोगे वो शायद कृपा मिल जाए। भगवान देखते हैं कि जीव प्रयास करता है तो उनके प्रयास को देख के उनके अंदर करुणा शक्ति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि वह भक्त वत्सल है करुणा निधान है तो कृपा करके आपको तार भी देंगे। तो एवरीथिंग इज चेंजिंग हियर सब कुछ बदल रहा है समथिंग में एग्जिस्ट टुडे बट नॉट बट द नेक्स्ट डे यू सी इट अ चेंज आज परिस्थिति अलग होती है हम आज के हिसाब से कल ऐसे ही होगा लेकिन कल की परिस्थिति अलग होती है परसों की फिर अलग कल के क्या हर क्षण आधे घंटे एक घंटे अब देखो कि परिस्थितियाँ बदल जाती है ये तो दूर की बात रही है कल क्या होगा हर 15 मिनट पे अगले क्षण परिस्थिति बदल सकती है परिस्थिति बदल में समय नहीं लगता है हर चीज परिवर्तनशील संसार में और हर चीज बदल रही है इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। भजन के द्वारा अपने कर्मों को शांत करो नए संस्कार पैदा करो ताकि वो पुराने इरेज हो जाए साफ हो जाए नहीं तो वो संस्कार आपको बहुत तंग करेंगे। वन हु हैज कम्प्लीटली कृष्णा कॉन्शियस अंडरस्टैंड जो कृष्णा भावना में इस बात को समझेगा ही इज पीसफुल एंड रियली द सो कॉल हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस आर नथिंग मोर देन डुअलिटीज बेस्ड ऑन मेंटल कॉन्कॉक्शन मनोधर्म। तो खुशी और जो दुख है ये जो द्वंद्व है ये केवल हमारे मन का खेल है और कुछ नहीं है। जितना मन अटैच्ड होता है उतने हम सुख दुख की अनुभूति करते हैं जितना मन भगवान में अटैच होता है हम आनंद की अनुभूति करते हैं हमें सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमिलिटी इन नीडेड ह्यूमिलिटी नहीं में कि दीनता बहुत ज़्यादा जरूरी है। गौरांगेर मधुर लीला जर करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलोतत If anyone gives submissive oral reception to the pleasing and sweet pastime of Lord Chaitanya, को केवल अपने कान के द्वारा महाप्रभु की लीला को जो बड़ी मधुर है उनको सुनता है श्रवण करता है देन इमिजिएटली हिज हार्ट बिकम्स क्लेंस ऑफ ऑल मटेरियल कंटेमिनेशन यानी सारे दोष जो हमारे हृदय के हैं वो साफ हो जाएंगे अंतकरण की शुद्धि की। इनफैक्ट भगवान की कोई भी लीला आपको आपका मंगल करती करती है चाहे वो कृष्ण लीला हो चाहे वो राम लीला चाहे वो नरसिंह लीला हो कोई भी भगवान की लीलाओं को हमें श्रवण करते रहना चाहिए बार बार। महाप्रभु लीला पास्टम आर वेरी स्वीट महाप्रभु की जो लीला है बहुत मधुर है क्योंकि उनमें उदारता है उदारता होने के कारण ये बहुत ज़रा मधुर हो गई है क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने अंतरंग को प्रेम प्रदान किया था उन्होंने बांटा नहीं था लेकिन महाप्रभु वही कृष्ण जब महाप्रभु बनते हैं तो उदारता अधिकती है तो हम उस मधुर भाव को बांटते हैं उदारता पूरा इसलिए गौर लीला या गौर अवतार सब लीला में श्रेष्ठ क्यों माना गया क्योंकि जो उदारता गौर लीला में मिली है कोई अवतार में इतनी उदारता नहीं मिली। दुष्टों से दुष्ट को भी उन्होंने हरि नाम के द्वारा योग्य बना दिया है वैष्णव बना दिया है जगत गुरु बना दिया है। महाप्रभु लीला गौर लीला इस कृष्ण लीला
महाप्रभु लीला जैसे गौर वो कृष्ण लीला ही है, कृष्ण लीला इज गौर और कृष्ण की लीला ही गौर लीला है। बिका गौरांग महाप्रभु ए नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, क्योंकि महाप्रभु कृष्ण से अभिन्न है। वजनंदन यही सच्चे सोता हेला सही हो इस वजनंद, वजनंद कौन है? द सन ऑफ नंद महाराज, नंद महाराज के पुत्र ही वह है वजनंदन। ही इज सचे शुद्ध सन और सची माता, वो सची माता के पुत्र हैं। अवर हिज मूड इज डिफरेंट, उनके भाव काफ़ी अलग है। कृष्ण एक्सेप्टेड मूड ऑफ अ डिवोटी, भगवान ने भक्त के भाव को ग्रहण किया है, भक्त भाव। स्पेशली द मूड ऑफ राधा रानी, राधा और राधा रानी के भाव को स्वीकार किया है, राधा भाव को स्वीकार किया है। आपने करेमो भक्त भय अंगी करे, आपने आचरी भक्ति सिखाईमो सबरे। आई शैल एक्सेप्ट दी रोल ऑफ अ डिवोटी एंड आई शैल टीच डिवोशनल सर्विस बाई प्रैक्टिसिंग इट माई सेल्फ। मैं भक्त का रोल ग्रहण करूँगा और मैं लोगों को भक्ति सिखाऊंगा, स्वयं बता के कि भक्ति कैसे की जाती है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, भगवान के नाम का जप करना कीर्तन करना ही भक्ति है। रामचरितमानस के अरण्य कांड में लाइन आती है, प्रभु का नाम जप करना उस पर भी यही भक्ति कहा गया है। बिना नाम जप के भक्ति पूर्ण होती नहीं है। कहते आपकी भक्ति जो है पूर्णिमा की रात है, और पूर्णिमा कब होती है? जब चंद्रमा पूर्ण होता है, और राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा है, और अन्य जितने है साधन है वो सब तारों के समान है। यानी नाम है तो भक्ति पूर्ण है, नाम नहीं है जितने मर्जी साधन कर लो, जो ते मजे वैदिक मंत्रों का जाप कर लो वो तारों के समान है। जो कि वैदिक मंत्र मुक्ति देते है, गायत्री मंत्र मुक्ति देता है, वैकुंठ ले जाके रिटायर हो जाता है। एक हरि नाम है जो प्रेम प्रदान करता है, निज धाम में निजी सेवा देता है। वैदिक मंत्र प्रेम नहीं दे सकते, वैदिक मंत्र मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। नाम प्रेम देता है और निज धाम में निजी सेवा में नियुक्त करता है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी शरणागति गण में इस बात की घोषणा करते हैं। इसलिए नाम जो है वैदिक मंत्रों और गायत्री मंत्र से भी ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए जीव को निरंतर हरि नाम करना चाहिए। महाप्रभु हरि नाम हमको देना है, हाईएस्ट भक्ति हमें प्रदान करने आए हैं, और कुछ दूसरी चीज देने नहीं आए हैं, ब्रज भाव देने आए हैं उस महामंत्र के द्वारा। और दूसरी सबसे विशेष बात क्या है, जब कोई भी भजन हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान से प्रेम, तब वो भक्ति कहलाती है। अगर हम स्वार्थ पूर्ण करते हैं, मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या लाभ होगा, फिर वो तो कपट हो गया, फिर वो भक्ति नहीं कहलाती। भक्ति का मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए क्रिया करना, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं करना। वो स्वार्थ तो हमारा क्या है कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे वो वस्तु मिल जाए, ये सारी टेम्परेरी चीज है, वे समाप्त हो जाती है। आप बोलते हो कि बोलना आसान है लेकिन ऐसे होता नहीं है। मैं मानता हूँ, मैं चीज़ को स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक चीज अनुभव से बताता हूँ। जिस दिन आप 64 माला के ऊपर रोज करोगे, 80-90 माला रोज करोगे, कुछ सालों में आपके हृदय में निष्कामता अपने आप आ जाएगी। उसको आपको आज जो आप कामना से पूजा करते हो, मांग के करते हो, आप खुद मन में घृणा आएगी कुछ सालों के बाद, मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे तो भगवान से प्रेम करना चाहिए। क्योंकि हरि नाम में इतनी शक्ति है हार्ट को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की। 10-20-30-40 माला में नहीं होने वाला, 70-80 माला के ऊपर ही जब भजन करोगे, आप खुद देखोगे मेरे अंदर अटैचमेंट कम हो रही, मेरे अंदर कामना खत्म हो रही। पहले मैं छोटी छोटी चीज के लिए मंदिर जाता रहा, मन्नत मानता रहा, कामना की पूर्ति के लिए का। अब बोलता है छोड़ो यार, ये क्या करो, मुझे प्रेम करना है, और उसके लिए साधु संघ भी साथ साथ जरूरी है, उन भक्तों का संघ जो भजनशील है, जो प्रेम प्रदान कर सकते हैं। तो कहते हैं दी हाइस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, भक्त सर्वश्रेष्ठ संघ किसे कहा गया? उन भक्तों का संघ करो जो नामनिष्ठ होते हैं, क्योंकि जो नामनिष्ठ होते हैं वही नाम करवा सकते हैं। क्योंकि कथाएं तो बहुत लोग अच्छी करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं।
हमारे जितने आचार्य भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जो जी रहे थे या प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर जो भी हमारे आचार्य होया हमारे परम गुरु जी ले लो भक्ति देवता में उन्होंने अपने सारे उपदेश शिष्यों को 100,000 हरिनाम करने का उपदेश दिया है। उनके शिष्य से पूछा तो वो बोलते हैं कि हाँ 100,000 करने को कहे और हम करते भी हैं। तो इसका मतलब यह कि हमें कम से कम इतनी माला करनी चाहिए, उससे कम तो हमें करना ही नहीं चाहिए। और हम क्या करें, टाइम वेस्ट करें भैया? भाई जाप करना मुश्किल काम नहीं है, आप महत्व दोगे तो करोगे, नहीं दोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। आप बहाने मत ढूंढिए नहीं करने का, क्योंकि इससे आप अपना ही नुकसान हो, आप अपने साथ गद्दारी करो, आपने स्वयं के दुश्मन बने हो। कौन से कर्म किधर जागृत होके मारे कोई कह नहीं सकता, भजन नहीं बढ़ेगा तो आपके कर्म कभी शांत होने वाले नहीं हैं। Unless one practices devotional service himself, he cannot teach it to others. भक्ति स्वयं करनी पड़ेगी तब वो दूसरे से करवा सकता है, तभी वाणी आपके हृदय को स्पर्श करेगी। कथा तो बहुत लोग करते हैं लेकिन सबकी वाणी हृदय को स्पर्श नहीं करती है। उसी की वाणी हृदय को स्पर्श करती है जो भजनशील होता है, उसी का आचरण प्रभावित करता है। दिस कंक्लूजन इज इंडीड कन्फर्म थ्रू द गीता एंड भागवतम। तो ये चीज गीता भागवतम में इसकी कन्फर्मेशन है। प्रैक्टिस जोसल एंड देन टीच, पहले खुद अभ्यास करिए तब आप दूसरे को कराइए, समझाइए। हम खुद भजन नहीं करते, आप दूसरे कहते हैं भजन करो तो कैसे चलेगा। हम कहते हैं प्रीचिंग करते हैं, ये शब्द इटसेल्फ में प्रीचिंग करो लोअर लेवल के लिए ठीक है, हायर लेवल में ये बात गलत है। आप अपना तो उद्धार कर लो, अपना तो उद्धार हो नहीं रहा है और हम चले दूसरे का उद्धार करने के लिए, कितनी मूर्खता वाली बातें हैं। खुद का तो उद्धार हुआ नहीं हमारा, आम चाहे दूसरा का उद्धार। हाँ अब ये बोल सकते हो मैं कीर्तन कर रहा हूँ और किसी ने मुझे निमंत्रित तो मैं आपके कीर्तन के लिए जा रहा हूँ, बाकी किसको क्या लाभ होना नहीं होना मुझे पता नहीं, मैं अपने मंगल के लिए कीर्तन करने जा रहा हूँ। उसने मुझे बुलाया अपने घर में कीर्तन, मैं अपने मंगल के लिए कीर्तन करने जा रहा हूँ और मैं अपने घर में अपने मंगल के लिए कीर्तन करता हूँ। कोई आके मुझसे लाभ लेना चाहे तो कथा सुनना चाहे उसकी मर्जी, लेकिन मैं किसी का उद्धार नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना उद्धार कर रहा हूँ, अपना कीर्तन कर रहा हूँ, बाकी ठाकुर जी से करना, ठाकुर जी इसके द्वारा माध्यम से होना है। मैंने क्या किसका उद्धार करना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा अभिमान है जो हम बोल जाते हैं कि हम ये करें वो करें, ये चीज गलत है। इस प्रकार हमको नहीं सोचना चाहिए। दिस इज व्हाट कृष्णा थॉट, यही तो कृष्ण जी सोचते थे। दिस इज द रीजन फॉर हिज डिसेंट एज चैतन्य महाप्रभु, इससे तो भाई क्योंकि मैंने गीता में क्या सब धर्म को छोड़कर मेरी शरण आ, लेकिन शरणागति कैसे होती ये मैंने सिखाया नहीं उसको। इससे कहा कि हरे कृष्ण का मंत्र का कंटिन्यू जाप करिए, अहिर्निश का कंटिन्यूस कीर्तन का जाप करते रहना चाहिए। क्या होगा, आप पूर्ण रूप से हरि नाम पर निर्भर हो। हरि नाम पर निर्भर मीन्स आप कृष्ण के प्रति निर्भर हो, क्योंकि जब इंसान कंटिन्यू जप करेगा तो वो यही तो साबित करे प्रभु मेरे पास दूसरा कोई बल नहीं है आपके बल के अलावा, तभी तो मैं रात दिन आपका नाम जप कर रहा हूं। मुझे पग पग में भय बना हुआ है मेरे जीवन में और मेरी रक्षा आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। इसी कारण से मैं आपका नाम निरंतर जपता रहता हूँ, निरंतर जपता रहता हूँ। यही कारण है नाम जपने का, दूसरा कोई कारण नहीं है नाम जपने का। कि शरणागति कंटिन्यूसली, आई एम डिपेंडेंट ऑन द होली नेम। बुद्धि बल, शास्त्र बल, शस्त्र बल, धन बल, बाहुबल, सैनिक बल, कोई बल नहीं, एक राम बल है, ये मान के करो कंटिन्यूसली कि वही प्रोवाइडर, वही मेरा पालन पोषण रक्षण सब हरि नाम ने ही करना है। और वो आप करके देखिए, अनुभव करिए, आपको खुद का पता चलेगा कि आपको कितना लाभ हो रहा है। Unless one practices in his own life, he cannot teach. अगर वो खुद नहीं करेगा तो शिक्षा नहीं दे सकता। हम भले भाषा में कितनी ऊंची भाषा बोले, निष्काम भक्ति होनी चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए, लेकिन निष्कामता होती नहीं है। लेकिन
ऐसे तो मैं कहता हूँ हरि नाम बढ़ाइए, हरि नाम इतना शक्तिशाली, वो हार्ट को ट्रांसफॉर्म कर लेगा, आपके सकामता को खत्म करके निष्कामता वास्तव में ले आएगा। जो हम पढ़ते वो जिन में उतरनी शुरू होती है, केवल बोलने मात्र से नहीं हो सकती है। आसक्ति काटो, आसक्ति होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन कहाँ ये संभव है। हाँ, लेकिन भगवान में प्रीति बढ़ने से आपकी आसक्ति घटती है। ये चीज क्यों नहीं बोलते कि भजन बढ़ाइए, पान से प्रेम बढ़ाइए, ज्यादा कथा सुनिए, ज्यादा माला करिए, ज्यादा। जब तक माला नहीं बढ़ेगी भगवान में प्रेम उत्पन्न होगा, संसारिक प्रेम नहीं आपका घटने वाला। थियोरेटिकल स्पीकिंग विल नॉट हेल्प, केवल बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। कथा बताती है कि स्तर तक उठना है, हरिनाम लेके जाता है। हरिनाम आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं इसके अलावा कि भाई मैं कुछ और कर सकूं। तो इट मस्ट बी प्रैक्टिकल, दिस इज महापुरुष प्रिंसिपल, ये महापुरुष का सिद्धांत है। आपनी आचरी धर्म, आपनी शिक्षा, यू प्रैक्टिस योरसेल्फ देन टीच। लोग आपके आचरण को देख के प्रभावित होते हैं, आपकी भाषा को देख के प्रभावित नहीं होते। देखते निरंतर जाप करता, हर वक्त करता, व्यर्थ बातें करता, कथा करता है, इसकी बातें देखो। जब आप डीपली भजन करो तो आपकी विचारधारा भी बहुत ऊंची होगी, आपके मुख से श्रेष्ठ वाक्य निकलेंगे, और उससे पता चलता है कि आप क्यों कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हो, कितनी मात्रा में उन ग्रंथों का अध्ययन किया। ग्रंथों की भाषा जीवा पे चढ़ेगी और सोच विचार ग्रंथ के अनुसार हो जाएंगे। इससे पता चलता है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या वो झूठ बोलता है। कोई भी चीज जो पढ़ते हो उसकी भाषा मुंह पे चढ़ती चढ़ती है। लोग कहते तो कोई बोल सकती है, हाँ जी मैंने पढ़ा है, ग्रंथ पढ़ता हूँ। क्या पढ़ा है, फिर आपकी भाषा क्यों नहीं बदली, आपके विचारधारा क्यों नहीं बदली। अगर आप पढ़ो तो जाप करो तो फिर आत्मबल क्यों नहीं बढ़ रहा है, वैराग्य क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है। यानी सब झूठ बोल रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा है। हमने यहाँ तक देखा है, लोगों से पूछा है, अच्छा जी आप पढ़ते हो, आप भागवत, हाँ जी पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं रोज, कितना पढ़ते हो, एक श्लोक, अब मुझे बैठाओ 18,000 श्लोक एक श्लोक रोज पढ़ता है, इससे बड़ा पाखंड क्या सब क्या समझेगा। और कहता मैं पढ़ता हूँ एक श्लोक कितनी देर लगती है, एक मिनट। मैं बोलता कम से कम तुम 10-15 पेज तो पढ़ो, ये गंध कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। क्या आप बेवकूफ बना लोगों को या भगवान को अपने आप को। हम जी एक श्लोक रोज पढ़ते हैं, एक श्लोक कभी जिंदगी में आपकी कोई भी ग्रंथ खत्म होने वाला नहीं है। या कोई बोलेगा मैं एक ही पेज पढ़ता हूँ, भैया 1,000 पेज है तो 1,000 पेज आपको पता भी होगा, रोज जरूरी क्या पढ़ भी पाओगे, कभी कोई घटना होती है, कभी कोई काम हो जाता है, कोई नहीं। लोग किस किस प्रकार से अपने आप को बेवकूफ बनाती है और मुंह में रखती हैं और दिखाते हैं मैं रोज भागवत पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हैं, एक श्लोक पढ़ते हैं, कोई एक पेज पढ़ता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो भी अभी बोलना पड़ता है। पहले तो कभी ध्यान गया नहीं था, अब बोलना पड़ता है कि यार तुम इतने पेज कम से 10-15 पेज और पढ़ोगे, 1 घंटा अध्ययन ग्रंथों का करना है और बाकी समय माला करनी है। लोग इस तरह बेवकूफ बनते हैं या बनाते हैं, या अच्छी बनते ही या बनाने के उन्होंने खुद ही अपने आप को फंसाते हैं इस प्रकार की बातें बोल के। वन हु डज नॉट प्रैक्टिस हिमसेल्फ है नो राइट टू टीच, जो स्वयं अभ्यास नहीं करता उसे कोई अधिकार नहीं दूसरे को शिक्षा देने का। इफ यू स्पीक थियोरेटिकली देन वर्ड्स विल नॉट बी अफेक्टिव, इट इज ब्लैंक फायर, जस्ट एम्प्टी वर्ड्स। अगर उसके खुद के जीवन में साधन नहीं है तो उसके शब्द कैसे हैं, खाली है, उनमें कोई पावर नहीं होती पीछे। जैसे खाली बंदूक चला रहे हो, आवाज करती है लेकिन फायदा नहीं होता, तो पीछे पावर होने के लिए साधना का बल चाहिए, साधना का बल। बगैर साधना के बल के शब्द वही हो सकते हैं। अगर तपस्या का बल जीवा पे है तो वो आपके मुख से निकले हुए शब्द उसके हृदय को स्पर्श करेंगे। अगर साधना का बल नहीं है तो कुछ असर होने वाला नहीं है। महाप्रभु इज प्रैक्टिसिंग एंड टीचिंग भक्ति, महाप्रभु भक्ति सिखा भी रहे और खुद भी करे। डिवोशन देयरफॉर हिज मूड इज द मूड ऑफ ए भक्त, और उनके जो भाव भक्तों वाले हैं, दो ही इज कृष्णा हिज मूड इज डिफरेंट, वह स्वयं कृष्ण है लेकिन उनके भाव एकदम अलग है, भक्तों वाले हैं। हिज मूड इज द मूड ऑफ ए भक्त, स्पेशली द मूड ऑफ राधा रानी, उन्हें भक्त का भाव, कौन से भक्त है, उनके सबसे प्रिय जो भक्त है वो है राधा रानी, उनके भाव को ग्रहण किया है।
He came to teach us how to surrender unto Krishna. उन्हें हमें सिखाया कि किस प्रकार कृष्ण के प्रति शरणागत होना चाहिए. How to develop devotion. कृष्ण भक्ति हमें कैसे भक्ति पैदा करनी है, कैसे है. देखो प्रेम होएगा तो जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा उतनी मात्र में शरणागति बढ़ेगी. नाम जप करोगे, कथा ज्यादा सुनोगे, धीरे प्रेम होगा. जब प्रेम बढ़ता है तो विश्वास बढ़ता है, शरणागति बढ़ती है, सब कुछ धीरे धीरे उसका उसके प्रति बढ़ता जाता है. उस पर ज्यादा निर्भर होता है क्योंकि उसका विश्वास है, प्रेम है, उसका विश्वास होता है उसके ऊपर, पूरी तरह से निर्भर हो जाता है. तो यही तरीका है. अब फिर वो सेवा के रूप में प्रकट, क्योंकि जिसके आप प्रेम उसकी सेवा भी बढ़िया करोगे, नहीं तो मुसीबत पड़ जाए, कौन सेवा करे, करनी पड़ती जबरदस्ती. क्या है वो सेवा कभी कबूल ही नहीं होती है जो जबरदस्ती की जाती है या अनमने मन से की जाती है. वही सेवा स्वीकार होती है जो हृदय और प्रेम से की जाती है. और प्रेम नहीं है क्योंकि कथा नहीं है, जाप नहीं है, इसलिए प्रेम नहीं है. इसलिए सेवा हमारी जो है स्वीकार कहाँ हो रही है, क्योंकि वो हम जबरदस्ती आदेश अनुसार कर रहे हैं, हृदय से कर नहीं रहे हैं. He came to teach us how to surrender unto Krishna, how to develop devotion, Krishna bhakti. Gaurang is Krishna, thus Gaur lila is Krishna lila and Krishna lila is Gaur lila. इसे Gaur lila और Krishna lila में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है. Krishna madhurmay, it is very sweet. Krishna जो है मधुरमय है और बहुत मिठास उनमें. मधुर लीला माधुर्य लीला कृष्णा कृष्ण यक्षिणी भी कृष्ण बहुत सुंदर है. कंदर पर कोटि कमल विशेष शोभम, यानी करोड़ों कामदेव भी उनके आगे तुच्छ लगते हैं, उन पर निछावर है. कंदर क्यूपिड इज वेरी ब्यूटीफुल हियर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, यानी इस संसार के अंदर सबसे सुंदर माना गया वो है कामदेव. बट कृष्ण ब्यूटी फार एक्सेल दैट ऑफ क्रोर्स ऑफ क्यूपिड्स, लेकिन कृष्ण की जो सुंदरता करोड़ों कामदेवों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है. कामदेव सबको आकर्षित करता है, लेकिन स्वयं कृष्ण कामदेव को अपने प्रति आकर्षित करते हैं. तो आध्यात्मिक जगत के कामदेव कृष्ण ही तो है. और जिनका अनंग कहा गया, अनंग का मतलब उनका प्राकृतिक श्रेणी है, उनका चिन्ह में श्री है, इसलिए वो अनंग है. बकृष्टा ब्यूटी फॉर अक्षी कोजा क्यों डाटा कोजा क्यों पे श्याम त्रिभंग ललित, ये श्याम सुंदर कर्व्ड इन थ्री प्लेसेस बेंड क्राउडेड क्रोकेट बट ही लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. श्याम सुंदर तीन अंग से टेढ़े हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं. कृष्ण लीला इज अ ब्यूटीफुल, कृष्ण लीला बहुत सुंदर है, वेरी स्वीट, मधुरता उसके अंदर भरी हुई है. वैसी लीला माधुर्यमय लीला, मधुरमय लीला है. द स्वीटनेस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन गौर पास टाइम, गौर लीला में भी मिठास है. बट एट द सेम टाइम देयर इज औदार्य, यानी उनमें उदारता है. महाप्रभु की लीला में उदारता है, उन्होंने सबको प्रेम प्रदान किया. कृष्ण ने केवल अपने अंतरंग भक्तों को प्रेम प्रदान किया है और सबको नहीं बांटा, क्योंकि सब अधिकारी नहीं है. लेकिन महाप्रभु ने यह विचार नहीं किया किसको अधिकार है किसको जो अनधिकार है, उन्होंने सबको प्रेम प्रदान किया. किसके द्वारा? हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा. इसका निरंतर अभ्यास को जाप करिए तो प्रेम की अवस्था में आ जाओगे. लेकिन सबसे कठिन काम है नाम जप करना, कंटिन्यूस करते रहना, अधिक संख्या में करना. लोग करते नहीं है इसलिए उनके जन में प्रेम उत्पन्न होता नहीं है, करते नहीं है, करना नहीं चाहते, आलस है, दुर्भाग्य है. बहुत से अट्रैक्शंस प्रलोभन आते जीवन में, दोस्त आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, ये बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं, उधर जाना है. 50 प्रलोभन आ जाते हैं जीवन में, प्रशंसा आ जाती है, प्रतिष्ठा आ जाती है, प्रशंसा से अहंकार बढ़ जाता है, मद आ जाता है, कई प्रकार का सब चीजें आ जाती है. ये हनुमान जी के जन्म में सारी समस्या आई थी जब वो सीता जी खोज में जा रहे थे, ये सारी समस्या है. फिर उनको चोर भी कहा गया, उनके गर्ल फैमिली के शिकार भी हुए. लेकिन शिव जी कहते हैं हनुमान जी इनको कैसे पार कर गए, इस पर हनुमान जी कोई विशेषता नहीं, ये प्रभु के बल पे, प्रभु के बल, राम नाम के बल पे अखंड जाप चल रहे थे, इससे सारे विघ्नों को वह पार कर पाए. यानी विघ्न तो आएंगे, अखंड जाप चलता रहेगा बिना रुकावट के, तो भी विघ्न आपको परेशानी नहीं दे सकता. परेशानी तब आती है जब हमारा भजन
रुक रुक के करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, अखंड नहीं करते हैं, तब जाके परेशानी आती। अखंड भजन बहुत ज़्यादा जरूरी है इन सब विघ्नों से बचने के लिए। ये आएंगे आएंगे, लेकिन भजन के बल पे ये सब खत्म हो जाएंगे, फटाफट निकल जाएंगे और आप ये असर नहीं कर सकेंगे। इन गॉड लीला देयर आर टू कैरेक्टर, माधुर्य ब्यूटिफुल स्वेटर एंड औदर्य मैग्नमिटी। तो कृष्ण में केवल माधुर्यता है, लेकिन गौड़िया में दोनों चीज़ है, माधुर्यता भी और उदारता भी है। महाप्रभु हार्ट इज वंडरफुली मैग्नमिनस, महाप्रभु का जो हृदय बहुत ज़्यादा उदार है, अद्भुत औदार्य, औदार्यमय विग्रह, यानी उनका जो विग्रह उदारमय है। गौरांग मधुर लीला जर करने प्रवेशीला, हृदय निर्मल भेलोतर। The heart of one who hears both madhur and audare lila of Gaurang become immediately purified, क्योंकि उस पर उदारता है, तुरंत ये फल देता है, आपके अंतकरण की शुद्धि कर देता है तुरंत, इसलिए जीव को। और दूसरी चीज क्या है, हमारा जो गोल है वो राधा रानी की सेवा प्राप्त करना है, राधा दास हमारा गोल है। अब राधा रानी के प्रति प्रेम कैसे बढ़ेगा, क्योंकि ब्रज के स्वामी राधा रानी, क्योंकि महाप्रभु जो है राधा रानी के भाव में। जितनी ज़्यादा महाप्रभु की लीला का चिंतन करोगे, लीला की चर्चा करोगे, उसको पाठ करोगे, जितना प्रेम महाप्रभु के प्रति बढ़ेगा, क्योंकि महाप्रभु ही राधा रानी के भाव में, तो उतनी मात्रा में आपका प्रेम राधा रानी पे बढ़ गया और राधा रानी आपको ले जा सकती है अपने ब्रज में, और कोई नहीं लेके जा सकता। यानी महाप्रभु कृपा से आप ब्रज के अधिकारी बन जाओगे, क्योंकि वैसे भी कृष्ण लीला में राधा रानी की उदारता देखी जाती है। क्योंकि जैसे एक छोटी सी घटना आप जानते भी होंगे, फिर से सुन लो, सुनने में कोई हर्ज नहीं है, कि नंद गांव में कुछ लोग आए, क्योंकि इनका 9 लाख गौवे थी नंद बाबा के पास, तो कुछ लोग आते हैं उनसे दूध मांगने के लिए। तो कहते कि ठीक है हम दूध देते हैं, पात्र लाए, कहते पात्र नहीं है, तो कहते घर से पात्र तो लेके आता, मैं तुमको दूध दूंगा, बगैर पात्र के तुम दूध कैसे लोगे। तो लोग निराश हो गए, पात्र भी कहाँ से लाए, हम तो यात्री हैं, हम तो सोचा यहाँ पे दूध मिल जाएगा, दूध देने को तैयार, लेकिन हमारे पास पात्रता नहीं है। लेकिन राधा रानी थी उधर रसोई घर में, उन्हें बातें सुनी, उन्हें कहा आप ये काम को बरसाने आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, हम तुम्हें दूध भी देंगे, आप पात्रता भी देंगे। तो राधा रानी हमको पात्रता भी देती है, कृपा भी देती है। कृष्ण जी कहते हैं नंद गांव में कि आप तुम पहले तैयार हो जाइए कृपा लेने के, तब कृपा मिलेगी, तुम उसके योग्य नहीं हो। लेकिन राधा कहते मैं योग्यता भी तुम्हें प्रदान करती हूँ और तुम्हें दूर भी, कृपा की दूर भी दे दूंगी। उसी प्रकार महाप्रभु की यही भाव है, जो कि राधा रानी के भाव है, कि हम योग्य बने तब भजन करें, ये असंभव है। भजन करते करते योग्यता आ जाती है, नाम जपते 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 योग्यता आ ही जाती है। हम जिंदगी में कभी भी योग्य नहीं बन सकेंगे, जिंदगी बीत जाएगी, कई जन्म बीत जाएंगे, तब भी हम योग्य नहीं बन सकते हैं। लेकिन निरंतर नाम जप करने से जीव के अंदर योग्यता आ जाती है, वो कृपा का पात्र बन जाता है और कृपा को भी ग्रहण कर लेता है, क्योंकि नाम आकर्षित करता है सब कुछ। After taking sannyas, वैष्णव है नो प्राइड, वैष्णव के हृदय में कोई अभिमान नहीं होता। After taking sannyas, गौरांग महाप्रभु केम टू पुरुषोत्तम क्षेत्र, सन्यास लेके वो सीधा जगन्नाथपुरी, पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया है, जगन्नाथपुरी धाम एस्टेट डियर, उधर रहे हैं। भक्त डिवोटीज फ्रॉम गौड़ देश बंगाल वो कम टू जगन्नाथपुरी धाम टू इन द यथ यात्रा टाइम, यानी गौड़िया भक्त जो होते हैं बंगाल से आते थे पुरी में महाप्रभु के दर्शन के लिए, और चतुर्मास वहाँ पे व्यतीत करते थे। दे वुड स्पेंड द 4 मंथ्स ऑफ द रेनी सीजन इन जगन्नाथपुरी एंड देन दे वुड रिटर्न टू द होम। 4 महीने वो पुरी में महाप्रभु के साथ व्यतीत करते थे और फिर वापस लौटते थे। दे वुड कम एंड स्टे इन जगन्नाथपुरी टू हैव द एसोसिएशन ऑफ महाप्रभु एंड टेक दर्शन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। वो पुरी में क्यों आते थे, महाप्रभु के दर्शन का संग करने के लिए और जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। वानियर खांडव वासी मुकुंद दास रेजिडेंट ऑफ अ विलेज नेम्ड खंड वासी एंड वन ऑफ द डियर डिवोटीज ऑफ गौरांग महाप्रभु। एक बार खंड वासी मुकुंद दास जो था वो निवासी था खंड
गांव का, और महाप्रभु का प्रिय भक्त केम टू विजिट द लॉर्ड इन पुरी, वो पुरी में महाप्रभु के दर्शन के लिए आए। Mukundas had a son whose name was Raghunandan. Mukundas ke putra ka naam tha Raghunandan. Raghunandan was a great devotee of Krishna. Raghunandan jo the wo Krishna ke sarvashe bhakte and a very dear devotee of Mahaprabhu. A Mahaprabhu ke bhi kripa patra the, priya bhakte. Both father and son were great and dear devotees of Mahaprabhu. बहुत यानी दोनों पिता और पुत्र जो हैं महाप्रभु के भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं। वन डे महाप्रभु इन फन आस मुकुंददास, एक दिन महाप्रभु ने मुकुंददास से पूछा, आर यू डी फादर एंड इज रघुनंदन योर सन, और ही रघुनंदन डी फादर एंड यू आर इज सन, यानी आप इसे पिता कौन है पुत्र कौन है। क्या महाप्रभु जानते नहीं थे क्या, शक्ल से पता नहीं चलता कि पिता पुत्र में अंतर क्या होता है। फिर क्यों उन्होंने पूछा कि पिता कौन है पुत्र कौन है, या आप रघुनंदन के पिता हो या रघुनंदन आपके पिता है। रघुनंदन इज वेरी डियर एंड प्योर डिवोटी, रघुनंदन जो था बहुत ही प्रिय भक्त है। देयरफॉर इन महाप्रभु टीचिंग आर प्योर डिवोटी इज, और महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार जो शुद्ध भक्त कैसे होते हैं, तनादोपी सुनिचेन तरोपी सहसा अमान्य मानदिन की तरह सदारी, यानी उनके अंदर ये गुण होते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनमें दैन्यता होती है, सहन शक्ति होती है, अपने को तुच्छ मानते हैं, मान देते हैं, मान की कामना नहीं करते, ये लक्षण है वो शुद्ध भक्त है। जितना जीव अपने आप को तुच्छ मानेगा, सहन करेगा और सबको मान देगा, मान की कामना, उससे समझो उसकी प्योरिफिकेशन कितनी है। जितना वो प्योरिफाइड होगा उसकी शुद्धता बढ़ेगी, उतने मात्र में उसके अंदर ये गुण बढ़ेंगे। और ये शुद्धता हरि नाम पर निर्भर करती है, साधु संघ पर निर्भर करती है। He thinks much humbler than a blade of grass lying in the street, वो अपने को घास से भी तुच्छ समझता है जो रस्ते पड़ा है। He has no dumb, no pride, यानी कोई किसी बात का उसे अहंकार नहीं होता। He is very humble, वो बहुत ज्यादा दीन होता है। He thinks I am the lowest of low, मैं सबसे तुच्छ हूँ। All are superior to me, no one is below me, सब मेरे से श्रेष्ठ हैं, मेरे से नीचे कोई नहीं है। हम लोग क्या समझते हैं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और सब मेरे से नीचे हैं, लेकिन इसका मतलब कि मेरा अंतःकरण बहुत ज़्यादा मलिन है, तभी इस प्रकार के विचार आते हैं। शिव भक्तों के विचार ये होते हैं, सभी में से श्रेष्ठ है और मैं सबसे तुच्छ हूँ, इसलिए वो सबकी सेवा कर सकता है। जब तुच्छ मानोगे, सबको मान सम्मान दोगे, यही तो महानता के लक्षण है। विनम्रता, मान सम्मान देना, ये महानता के लक्षण है। अकड़ना, नीचा दिखाना, बेइज्जतियां करना, ये दुष्टता के लक्षण है। जो इंसान दूसरे को नीचा देखता है, वो समझता है मैंने उसको नीचा देख लिया, मैंने उसकी बेइज्जती कर दिया है, मैं बहुत महान हो गया, वो अपनी नीचता दिखा रहा है कि वो कितना ज़्यादा गिर चुका है। ही है दम नो प्राइड, इसके में कोई अभिमान नहीं है। इज वेरी हम्बल, बहुत ज़्यादा दीन होता है। थिंक आई एम द लोएस्ट ऑफ लो, ऑल नो वन बिलो मी, मैं नीचे कोई नहीं है। दैट इज द मेंटेलिटी, ये उसकी सोच होती है। इफ़ यू हैव प्राइड यू कैनॉट डू हरी भजन, प्योर भजन। अगर आपके अंदर अभिमान है तो आप भजन नहीं कर सकते हरी भजन। दम्ब प्राइड इज अ डिमोनिक कैरेक्टरिस्टिक, दम्ब यानी दम्ब एक राक्षसी गुण है, अहंकार राक्षसी गुण है। दीनता दैन्यता भक्तों के गुण होते हैं, ये देवी गुण के अंदर आते हैं। इस कथा को हम कल कंटिन्यू करेंगे, समय हो चला है। और क्या गुण होते हैं भगवद गीता में, देवी गुण क्या बताया गया, हम इसको कल पढ़ते हैं और प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। वांछा कल्पत्रु भेष कृपा सिंधु भयच पतितानां पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।